गर्मी से हाल बेहाल है भाई, हाल बेहाल। अभी मैं स्टूडियो आ रही थी तो मुझे रियलाइज हो रहा था, स्टूडेंट्स इतनी गर्मी पड़ रही है। आई एम श्योर आप लोग भी जहाँ पर होंगे, गर्मी सब जगह ही पड़ रही है इस समय पर, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स। एसी में रहते हुए भी डिहाइड्रेशन हो रहा है आपको, भले पसीना ना आ रहा हो, आपको स्वेटिंग नहीं हो रही, तो भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे अगले 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनो आपको क्या करना है। और ये आपकी आकांक्षा मैम का गुरु माँ की तरफ से गुरु मंत्र दे रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एंड हेल्थ, ये पांचवा सब्जेक्ट है आपका। हेल्थ गड़बड़ होगी, सारे सब्जेक्ट्स गड़बड़ आ जाएंगे। चलिए तो हमें क्या करना है, नंबर वन गर्मी से निपटने का पहला इलाज, हाइड्रेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। 2 से 2.5 लीटर लिक्विड पीने हैं दिन भर में, 2 से 2.5 लीटर पर डे। आप चाय ले सकते हो एक बार, स्टूडेंट को वैसे एक बार से ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय या कॉफ़ी। छाछ ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो, नारियल पानी बहुत बढ़िया है वो पी सकते हो, या सिंपल पानी। इलेक्ट्रॉल रखो अपने साथ में, जब भी आप क्लासेस अटेंड करते हो आपकी बॉटल रहनी चाहिए, बॉटल खत्म होते ही रिफिल होनी चाहिए। मेरे सारे स्टूडेंट्स के पास में बताओ है कि नहीं है बॉटल इस समय पर, बॉटल पानी की बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉल 17 रुपये का सैशे आता है पर स्टूडेंट, जीवनदायक होता है। 1 लीटर पानी में सैशे डालो, आधा सैशे भी डाल सकते हो, 2 लीटर पानी में 1 सैशे डालो भले ही आप, लेकिन अपने को हाइड्रेटेड रखना है, ये प्लीज़ ध्यान रखिए। आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिपरेशन सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नंबर टू, भाई ये सुन के शायद बहुत सारे लोग मुझे थोड़ी सी गालियाँ भी देंगे, नो स्ट्रीट फूड। अगर मेरे को गुरु माँ बोलते हो तो बिल्कुल स्ट्रीट फूड गर्मियों में नहीं खाना, चाट स्पेशली जानलेवा, पानी की टिक्की, छोले की टिक्की, चाट पापड़ी, इसकी चटनियाँ पुरानी पुरानी रहती हैं स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी खराब होता है। सलाद बाहर का, ये जो आप भेलपूरी खाते हो उसमें टक 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 काट के जो प्याज टमाटर डालते हैं, पता भी नहीं चलता कब खराब हो जाता है। तो कोई भी स्ट्रीट फूड ठेले पे, अनहाइजीनिक जगह पर मेरा कोई स्टूडेंट नहीं खाएगा। पूरी जिंदगी पड़ी अपन बढ़िया तरीके से खाएंगे पर अभी नहीं खाएंगे, ठीक है। नाउ नंबर थ्री, फ्राइड फूड अवॉइड करना है, अवॉइड फ्राइड फूड। फ्राइड फूड मतलब तेल से बने हुए पराठे, पूरी, भटूरे, भाई मत भाग जाना किचन में अभी, फ्राइड फूड अवॉइड करना। होगा क्या, इससे आपको नींद भी आने लग जाएगी क्योंकि गर्मियाँ हैं, दिमाग में शिथिलता आएगी, फिर पढ़ने बैठोगे पेट भारी भारी होगा, आपको नींद आ जाएगी। इससे नींद भी नहीं आनी चाहिए अपने को, और प्लस तेल के पराठे वगैरह खा के धूप में तो बिल्कुल मत निकल जाना स्टूडेंट्स। मेरी खुद की एक बार बड़ी तबीयत खराब हो चुकी है हॉस्टल में, तो ये बात बिल्कुल सब मेरे स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। नंबर फोर, आज से आपको फ्रूट्स और सैलेड इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। कुछ भी कर लो, भले ही एक चीज कर लो, एक फल या एक सैलेड खाने में होना ही होना चाहिए, मिनिमम वन। ये मेरे हर स्टूडेंट को करना है, ये होमवर्क है, रोज का होमवर्क है। आप मौसम के फल खाओ, मैं महंगे महंगे फल की बात नहीं कर रही, खरबूजा, तरबूज, केला, आप भले ही खा लो, खीरा, ककड़ी, ये तो खा सकते हैं अपन, पर एक लेना ही लेना है, थोड़ा सा खरबूजा या थोड़ा सा तरबूज, वो लेना ही लेना है, कोई ना कोई फ्रूट या ये होना ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दही। अब आप इसे जो भी बोलते हो, आप इसे कर्ड बोलते हो, आप इसे दही बोलते हो, आपकी लोकल लैंग्वेज में जो भी बोलते हो, ये मस्ट है। एक कटोरी दही चीनी के साथ, शक्कर के साथ, शक्कर वाला मीठा, आपको नहीं भी पसंद है कोई बात नहीं है, शक्कर डालो, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही रहेगा, इससे गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी, ये बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, आपको नींद नहीं आएगी। आप करके तो देखो मेरे कहने पे, डेली एक कटोरी दही को अपने दिन के आफ्टरनून में लंच में ऐड करो, ठीक है। बस तो ये मेरा हर स्टूडेंट करेगा क्योंकि आपकी हेल्थ मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मिलकर तभी रिजल्ट दे पाएंगे जब हम हेल्दी रहेंगे।